29 जुलाई को जो है वो एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे पावर, जो जिला किश्तवाड़ में चाहे कीरू की बने, पहले राटले की थी, अब खबरें आ रही है कि शावला कोर्ट और उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड की पावर जो है वो यूपी और राजस्थान गवर्नमेंट्स को बेची गई है, तो जम्मू कश्मीर को इन पावर प्रोजेक्टों से फिर क्या हासिल होगा? देखिए, वो एक 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 मॉडल है, ये अभी कोई रिसेंट विषय नहीं है कि भारत सरकार इन पावर प्रोजेक्ट्स को लगाती है। होता तो ये, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति ऐसी होती कि जम्मू कश्मीर खुद ही लगाता। जम्मू कश्मीर आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं कि जम्मू कश्मीर खुद ही इन पावर प्रोजेक्ट्स को एक पुट करके, फाइनेंस करके पुश कर सके, फिर जम्मू कश्मीर इनको बांटे। एक बात, ये प्रोजेक्ट्स एक मॉडल के तहत वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, उस मॉडल के तहत तो जम्मू कश्मीर का शेयर उसको मिलेगा और जो सेंटर का शेयर है वो जिस तरीके से जहाँ जहाँ पावर बांटी जाएगी। हाँ, जो एग्जैक्ट विषय है आपका कि जम्मू कश्मीर खुद सक्षम क्यों नहीं है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति, बता दूं बजट पे भी मैं बात करता था, हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाह देने में भी सक्षम नहीं थे। जम्मू कश्मीर इतनी कमाई भी नहीं कर सकता था कि हम अपने केंद्रीय ग्रांट के बिना हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दे पाते। ग्रांट इन एड जो जम्मू कश्मीर लेता है वो उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। कहां उत्तर प्रदेश, कहां जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा ग्रांट इन एड। लेकिन